हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिए, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें, तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में, जब तक आपको इतना नहीं आएगा। इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं, करते हैं। हाय, तो अब हम जो है 3.3 करने जा रहे हैं, स्कूल साइकोलॉजी द प्रेजेंट वेयर डू यू स्टैंड, इसको करने जा रहे हैं। इसमें अपर्णा मैसे के द्वारा एक कोट्स लिखा गया है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि स्कूल साइकोलॉजी इज़ अ रिलेटिवली अनहर्ड ऑफ प्रोफेशन इन मोस्ट इंडियन स्कूल्स। स्कूल साइकोलॉजी खास करके एक ऐसा अनसुनी प्रोफेशन है जो अधिकतर इंडियन स्कूल्स में जो है वो सुने जाते हैं। इट रिमेन्स एन एरिया दैट हैज़ नॉट बीन अंडरस्टूड एंड ऑल्सो लार्जली इग्नोर्ड। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी छुपे हुए क्षेत्र हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रोफेशन इंडियन स्कूल्स में बहुत कम दिखाई पड़ती है। आगे दे रखे हैं इन सब सेक्शन 1.4.4 ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक। अगर आप इस ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट के छोटी सी आप सेक्शन में जाएंगे 1.4.4 में, तो यू हैव यहाँ पे स्पेलिंग मिसप्रिंट है, हैव होगा एच ए वी। यू हैव रेड अबाउट इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। आपने क्या किया है, आपने इंस्पा के बारे में पढ़ा है जिसमें इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन दे रखा है, विच एम्स एट गेटिंग स्कूल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड एज ए सब्जेक्ट इन द करिकुलम एंड गेटिंग एटलीस्ट वन ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड इन ईच स्कूल थ्रू आउट इंडिया। जो कि ऐसा एम करते हैं कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वहाँ पर होना चाहिए। और ऐसा मालूम पड़ता है कि इसे भी सब्जेक्ट करिकुलम में डाल दिया जाए, और कम से कम एक साइकोलॉजिस्ट तो हर एक स्कूल में ट्रेंड होना ही चाहिए, अगर हर एक स्कूल में पूरी भारत में। कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग ए ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन ईच स्कूल थ्रू आउट इंडिया, इवन इफ वी थिंक ऑफ ट्रेनिंग वन टीचर पर स्कूल इन स्कूल साइकोलॉजी। कहते हैं कि ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट की जो इम्पॉर्टेंस है उनको ध्यान में रखते हुए, जो कि हर एक स्कूल में होनी चाहिए पूरी भारतवर्ष में, इवन इफ भले ही हम एक टीचर के ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचे पर स्कूल में स्कूल साइकोलॉजी के, इवन इफ वी थिंक ऑफ ट्रेनिंग वन टीचर पर स्कूल इन स्कूल साइकोलॉजी। मतलब ये भी हो सकता है मीनिंग कि स्कूल साइकोलॉजी में जो है वो पर टीचर जो है पर स्कूल में एक टीचर जो है ट्रेंड होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आगे दे रखे हैं इट मे नॉट बी एन ईजी टास्क। ये हो सकता है कि बहुत आसान टास्क ना हो। यू माइट वंडर वाई, आपको आश्चर्य होगा ऐसा क्यों। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं एक रिपोर्ट जारी किया गया नेशनल यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार से, उसमें बताया गया है कि देयर आर एटलीस्ट 1.28 मिलियन रिकोगनाइज स्कूल्स। कितने रिकोगनाइज स्कूल्स हैं, तो 1.28 मिलियन कम से कम रिकोगनाइज स्कूल है जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, इम्पार्ट मतलब प्रदान कराती है 635 डिस्ट्रिक्ट में, और ये 35 स्टेट्स में फैली हुई है और यूनियन टेरिटरी के भारत में। ठीक है, 1 मिलियन लगभग, यहाँ पे 1.28 मिलियन है, मतलब 1 मिलियन लगभग जो है वो 10 लाख के बराबर होती है। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का July 29, 2010 का न्यूज़ है। अब आगे दे रखे हैं एज़ पर सिंपल स्टैटिस्टिक्स। अगर एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स में हम देखें, इफ़ देयर आर 1.28 मिलियन स्कूल्स, वी माइट नीड टू ट्रेन 1.28 टीचर्स इन स्कूल साइकोलॉजी। कि अगर 1.28 मिलियन स्कूल्स हैं तो हमें ज़रूरत है कि 1.28 टीचर्स को जो है स्कूल साइकोलॉजी में जो है ट्रेन करें, एंड टू ट्रेन देम इन स्कूल साइकोलॉजी देयर मस्ट बी इनफ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल साइकोलॉजी एंड इट इज़ नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली। और उन्हें ट्रेन करने के लिए हर एक स्कूल में, यहाँ देयर की स्पेलिंग गलत है, टी एच ई आर ई वाले देयर होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूशन है
वो स्कूल साइकोलॉजी के प्रोग्राम में ट्रेनिंग कोर्स करवाए, और इस हालात में इट इज़ नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसी हालात नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का कोई रवैया नहीं देखा जा रहा है। आगे दे रखे हैं, करेंट टू एक्सप्लोर द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग एनी कोर्स ऑफ इंसाइक्लोसिन इंडिया, एन एक्सटेंसिव रैंडम बट फोकस्ड सर्च वॉज डन, यह देखने के लिए कि इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज जो है जो कि स्कूल साइकोलॉजी में एजुकेशन प्रदान करा रही है, यह एक बहुत मतलब विस्तृत मामला है, विषय है, रैंडम एक्सटेंसिव रैंडम है, लेकिन बट फोकस्ड सर्च वॉज डन, लेकिन कुछ ही चीज़ें इसके ऊपर सर्च की जाती है। Of all the central and state universities, the websites of the following few selected Indian universities were sure and studied, surfed, okay, surfed होगा यहाँ पे, and studied during November 2010 with below given summarized findings. कहते हैं जितनी भी state universities और central universities है, जो website नीचे दी गई है, जो कि Indian universities में select किया गया है, जिस Indian universities को तलाश किया गया net पर में और स्टडी की गई 2010 में, वो नीचे दिए गए हैं। देख लीजिए ये सब सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मैं कि आपको इसके कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, देख लीजिए दे रखा है। ये आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी दे ही रखा है। स्टेट कौन सा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था और ये एमए साइकोलॉजी में कोर्स करा रहे हैं। स्कूल साइकोलॉजी जो है इज़ ऑन ऑफर, कहते हैं इसमें नो ही दे रखा है, वेदर स्कूल साइकोलॉजी इज ऑन ऑफर नहीं। बनारस यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल में आता है, इस ये भी 1949-62 में स्थापित हुआ था, एमएस साइकोलॉजी देती है, लेकिन अगर स्कूल साइकोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें भी नहीं है, इसमें लगभग इसके 14 फैकल्टी है। HP यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, ये भी शिमला में, ये भी सेंट्रल है, और यहाँ पर मैं DNA दे रखा है इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। MS टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी अवेलेबल है, और सीट्स जो है वो DNA दे रखा है, और आपको फैकल्टी जो है इसमें भी DNA है, और आपको पता है कि स्कूल साइकोलॉजी में इसमें भी कोई कोर्स नहीं है। JMA भी वही हाल है, सेंट्रल 1986 में अप्लाइड, ये सब सारे जो है आंकड़े इसमें दे रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ये देखो सारे दे रखे हैं। ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। MS साइकोलॉजी जो है ये आपको इसके पास है, लेकिन स्कूल साइकोलॉजी नहीं है इसमें। DNA का मतलब डेटा नॉट अवेलेबल है, ध्यान देना इसमें। DSNAW का मतलब डिटेल्ड सिलेबस नॉट अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ये नहीं है। और NL का मतलब नो लिमिट्स है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें दे रखे हैं कि योर अटेंशन ऑन द few major points needs to be attracted here. आपका जो यहाँ पे major points के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए वो यहाँ पे है। Almost all the above universities have clinical as well as counseling psychology on offer at postgraduate levels. जितने भी universities हैं सभी में clinical साथ साथ counseling psychology जो है वो postgraduate level पे offer किए जाते हैं। To their students of MA/MSc psychology second semester and BA/BSc second semester, यहाँ पे दे रखा है part 2, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ कोर्स ऑन साइकोलॉजी इन एजुकेशन। कहते हैं MA/MSc साइकोलॉजी जो सेकंड सेमेस्टर के हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और BA/BSc पार्ट टू के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन में साइकोलॉजी के कोर्स करवाते हैं। आगे चलते हैं, HP जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे शिमला, ऑफर ए ग्रुप ऑन एजुकेशनल गाइडेंस साइकोलॉजी। ये एजुकेशनल गाइडेंस साइकोलॉजी के ऊपर एक ग्रुप जो है यहाँ पे कोर्स चलाती है यहाँ पे, और दूसरा जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे चलाती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं दूसरे कोर्सेज में। इस कंडीशन से कि केवल एक ही ग्रुप को जो है इसमें से लेना है, या तो आप ये लीजिए या तो वो लीजिए अपने MA के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। इसके बाद है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के हैं, उनमें जो है अगर देखा जाए अप्लाइड साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर जोर दिया है एज ए थर्स्ट एरिया इन चाइल्ड साइकोलॉजी, और ये जो है ऑप्शनल कोर्स देते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में ले लीजिए या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में दे दीजिए, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के
जब कोई MSc कर रहा होता है तो अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ। आगे चलते हैं, द स्पेशलाइजेशन एरियाज ऑफ द फैकल्टी इन मेनी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स विच वर अवेलेबल देयर ऑन देयर वेबसाइट्स वर ऑल्सो स्क्रूटनाइज्ड। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके जो फैकल्टी है कुछ खास एरिया में, विच वर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, जो कि वेबसाइट पर दिखाई पड़ते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें खोजा गया है। ओनली अ फ्यू आर हैविंग स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ऐसा मालूम पड़ता है कि इनमें से कुछ ही के पास एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपनी महानता है या स्पेशलाइजेशन है। एंड नो फैकल्टी वॉज सीन हैविंग स्पेशलाइजेशन इन स्कूल साइकोलॉजी। लेकिन इस डेटा में हमने देखा, जो ऊपर ग्राफ में दे रखा था, कि स्कूल साइकोलॉजी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या फैकल्टी है जिसके पास स्पेशलाइजेशन है। एज यू आर राइट नाउ गोइंग थ्रू इट, इग्नू ऑफर स्कूल साइकोलॉजी टू द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ बीए इन साइकोलॉजी प्रोग्राम एज एन ऑप्शनल कोर्स। जैसे कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप सही जगह पे स्टडी कर रहे हैं। इग्नू जो है, ये स्कूल साइकोलॉजी जो है सेकेंड ईयर बीए स्टूडेंट्स स्कूल साइकोलॉजी प्रोग्राम में देती है ऑप्शनल कोर्स के लिए। नेक्स्ट है जिनाना प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी JPIP, ये कहाँ पे है, पुणे में है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, जो कि जिससे कि पुणे यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हुआ है, इज ऑफरिंग ए रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है स्कूल साइकोलॉजी में 1993 से दे रही है, और इसके पास पर बैच में केवल 25 सीट्स होते हैं। आगे चलते हैं, रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंडिया इन एन इंटरनेशनल स्टडी अमंग 83 कंट्रीज इन विच एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू फाइंड आउट द एविडेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। कहते हैं अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो उससे मिला करके, अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसको जोड़ के देखें, तो 83 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर में एक प्रयास किया जाता है कि स्कूल साइकोलॉजी जो है उसे खोजा जाए, उसे तलाशा जाए, जिसमें जिम्बर्सन, स्कोकट, कैरडियंस, मैलोन, स्टीवर्ट आदि में ये चीज़ मिला है। आउट ऑफ टोटल 5 पैरामीटर्स सर्च्ड, जिसमें से कि 5 ऐसे जगह पे तलाश किए गए, इंडिया फुलफिल्ड ओनली 1 एज देयर वॉज आइडेंटिफाइबल प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड टू फुलफिल ड्यूटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। कहते हैं इंडिया को जो है केवल एकमात्र ऐसा स्थान मिला जहाँ पर में कि आइडेंटिफाइबल प्रोफेशनल्स हैं, मतलब पहचाने हुए, जाने पहचाने हुए प्रोफेशनल्स हैं, जो कि अपनी ड्यूटी को जो है स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में जो है पूरा किए हैं। हाउएवर ऑन द सेम पैरामीटर वर ऑल्सो 14 अदर कंट्रीज, लेकिन इसी तरह का हालात तो और भी 14 कंट्रीज में है, इसमें बेनिन, घाना, जमैका, केन्या, कुवैत, माल्टा, मार्शल आइलैंड, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनिया, पैराग्वे, उसके बाद ट्रिनिडैड और टोबैगो, युगांडा, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, जाम्बिया आदि आते हैं, उनकी हालात भी इसी तरह की है। चलो आगे चलते हैं, आगे हैं अदर 4 पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन दिस स्टडी बाय बट लास्टली मिस्ड बाय अस्वर। और जो 4 जो पैरामीटर्स हैं जो कि इस स्टडी में शामिल होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम सबके द्वारा मिस की जाती है, वो क्या थे, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस दैट रिक्वायर स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू बी लाइसेंस रजिस्टर्ड और क्रेडेंशियल्ड, प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इंक्लूजन इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी विद नेशनल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्या दे रखे हैं कि जितने भी हमारे ये नियम कानून हैं वो सारी चीज़ें स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है, कि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, क्रेडेंशियल होना चाहिए उनके पास, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए स्कूल साइकोलॉजी में, इसमें स्कूल साइकोलॉजी की जो है नेशनल साइकोलॉजी एसोसिएशन के साथ उनका मेल मिलाप होना चाहिए, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम दैट प्रिपेयर स्कूल साइकोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होना चाहिए जो कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट की सारी चीज़ों को पूरा करती है, इसमें स्पेसिफिक करिकुलम आते हैं जो कि इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि इन प्रोफेशनल को तैयार किया जा सके, प्रिपेयर दिस प्रोफेशनल्स, एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड डॉक्टरल लेवल प्रिपरेशन, और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जहाँ पर डॉक्टरल लेवल की तैयारी की जाती है स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए। आगे दे रखे हैं कि 11 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, साइप्रस, ग्रीस,
न्यूजीलैंड, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्कॉटलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इनके पास ऐसे सबूत हैं जो कि इन पांच पैरामीटर पर लगभग काम करती है जो ऊपर बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, यू माइट रिकॉल्ड हियर अबाउट द सेकेंड पैरामीटर गिवन इन द अबव पैराग्राफ दैट टुडे वी हैव इंस्पायर एस्टेब्लिश्ड इन 2009 दैट इज आफ्टर वन ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस स्टडी। कहते हैं आपको शायद दोबारा याद आया होगा ये सेकेंड पैरामीटर के बारे में जो कि ऊपर के पैराग्राफ में दिया हुआ है कि आज हमारे पास इंस्पायर है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी लगभग इस स्टडी के एक पब्लिकेशन के एक साल के बाद, जो स्टडी हमने अभी करी है उसके बाद। आपने इस इंस्पायर के बारे में सब सेक्शन 1.4 जो है इस ब्लॉक में उसमें पढ़ लिए हैं, बट यस इवन टुडे वी आर लार्जली मिसिंग रिलेटेड रेगुलेशंस फॉर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन हाँ, वाकई में आज भी हम जो है काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो कि लाइसेंस से संबंधित है या स्कूल साइकोलॉजिस्ट को रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं है उससे संबंधित है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से संबंधित है जो कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट को क्या करती है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट को जस्ट तैयार करती है, ठीक है। और ऐसे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की जो कि डॉक्टरल लेवल की प्रिपरेशन कराती है स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए। कहते हैं फिर भी हाउएवर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ आर रनिंग पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एट देयर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो है चला रही है अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं टू स्पेसिफिकली ऐड हियर, अगर हम ठीक ठीक और भी यहाँ कुछ चीज़ ऐड करें तो द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जो है विच ऑफर्स वन ईयर इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि एक साल की इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स गाइडेंस और काउंसलिंग की जो है करवाती है इन कोलेबोरेशन विद कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। और ये किसके साथ कराती है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के सहयोग के साथ, कोलेबोरेशन के साथ जो कनाडा से है। एम्फेसाइजेस विद इनफ सेंसिटिविटी, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी के ऊपर जोर डालती है और कहती है कि द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लिविंग एवरी डे रिपोर्ट्स ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज लो अचीवमेंट ट्रुएंसी एग्रेशन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सुसाइड ड्रग अब्यूज एंड द लाइक कॉल फॉर प्रोविजन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ इन स्कूल्स। की बढ़ती हुई जो समस्याएँ हैं मॉडर्न डे की लिविंग की परेशानियाँ हैं, हर एक दिन की एवरीडे रिपोर्ट ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, रोज़ रिपोर्ट मिलता है कि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, अचीवमेंट का लेवल बहुत गिर गया है, लो अचीवमेंट हो गया है, वो बहुत ही मतलब जो है अपने काम में ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, ट्रुएंसी होते हैं, वो गुस्से कर जाते हैं, एग्रेशन होते हैं, उनका बिहेवियर में समस्या आ रही है, सुसाइड करने की नौबत आ जा रही है, वो ड्रग लेने लगते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं एंड द लाइक कॉल फॉर प्रोविजन ऑफ गाइडेंस, और इस चीज़ों की क्या है गाइडेंस की ज़रूरत है, और यूथ को और चिल्ड्रन को भी जो है स्कूल में काउंसिल या गाइडेंस की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है टीचर्स एंड अदर स्कूल पर्सनल नीड टू इक्विप देमसेल्व्स विद हेल्पिंग स्किल्स टू प्रमोट स्टूडेंट्स पर्सनल सोशल एजुकेशनल कैरियर डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट थ्रू आउट द स्कूल ईयर। जो टीचर है या दूसरे जो स्कूल के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी अपने आप को इन सारी स्किल्स को अपनानी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके, उन्हें पर्सनल सोशल एजुकेशनल कैरियर डेवलपमेंट में मौका मिले, साथ ही साथ पूरे स्कूल के ईयर में जो है अपने आप को ठीक करने का मौका मिले। दिस हाउएवर रिक्वायर्स प्रोफेशनल ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, लेकिन इसके लिए एक प्रोफेशनल के तरीके से ओरिएंटेशन से और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, कि उसमें प्रोफेशनल काम होना चाहिए और ट्रेनिंग का काम होना चाहिए। NCERT एडमिशन नोटिस जो है IDJEE 2000 जो 11 है उसमें यहाँ पे बताई गई है कि मैक्सिमम 50 सीट्स पर स्टडी सेंटर आर अवेलेबल इन दिस NCERT डिप्लोमा एट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन NCERT न्यू दिल्ली। कहते हैं कि कम से कम तो नहीं कह सकते, यहाँ पे मैक्सिमम है तो अधिक से अधिक 50 जो सीट्स है पर स्टडी सेंटर पे वो NCERT डिप्लोमा में अवेलेबल है।
एजुकेशनल साइकोलॉजी का हर एक डिपार्टमेंट में और फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में NCERT न्यू दिल्ली में। और इसके जो 5 जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में, वहाँ भी ये चीज़ मिल जाएंगे। आगे दे रखे हैं इसमें, सो यू कैन नाउ वेरी वेल गेस दैट इफ वी हैव टू ट्रेन 1.28 मिलियन टीचर्स इन स्कूल साइकोलॉजी, कि अब आप जो है कि बिल्कुल ठीक ठीक गेस कर सकते हैं कि अगर हमें स्कूल साइकोलॉजी में 1.2 मिलियन टीचर को अगर ट्रेन करना है, दिस जाइगनेटिक टास्क इज नियरली इम्पॉसिबल। तो यह जो विशाल सा बहुत बड़ा सा काम है, यह लगभग इम्पॉसिबल है पूरा करने में, कम्प्लिश करने में विद द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इन इंडिया एट प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट में जो इंडिया के पास जो मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन विकास और फैसिलिटीज सुविधाएं हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, कि फ्यूचर कैसा है स्कूल साइकोलॉजी का, उसके ऊपर दे रखा है, भविष्य क्या है। ये तो प्रेजेंट है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इसमें भी अपर्णा मैसे का एक कोट्स लिखा हुआ है, द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन माई कंट्री इंडिया हैज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर हायरिंग ट्रेंड स्कूल काउंसलर्स। कहते हैं हमारे भारत देश में जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी इस तरीके से पहचान में नहीं आया है कि यहाँ पर मैं ट्रेंड स्कूल काउंसलर्स को जो है हायर किया जाए। ऐसा जरूरत ही नहीं लगता है कि पढ़ रहा है, बस ऐसे ही काम चल रहा है स्कूलों में। सम ऑफ द स्कूल्स दैट टू हायर काउंसलर्स अंडरमाइन देयर रोल बाय असाइनिंग देम टीचिंग ड्यूटीज एंड स्टैंडिंग इन फॉर एब्सेंटी स्टाफ। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो हायर तो करते हैं काउंसलर्स को, लेकिन उन्हें ऐसे काम में लगा दिए जाते हैं जिससे उनका रोल जो है अंडरमाइंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उन्हें पढ़ाने के जैसे काम में दे दिया जाता है और कोई स्टाफ अगर नहीं आया है तो उनके जगह पे खड़ा कर दिया जाता है, इसलिए इसको एब्सेंटी स्टाफ कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि बाय द डिस्कशन सो फार यू माइट हैव नोटिस्ड दैट डिस्पाइट हिज डिमांड्स द प्रोफेशनल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी एज वेल एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट आर मिसिंग इन आवर कंट्री। कि जहाँ तक अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं सो फार मीन्स अभी तक, हो सकता है कि आपने नोटिस किया हो कि इतना ज़्यादा डिमांड होने के बावजूद भी, डिस्पाइट मीन्स के होते हुए भी, जो प्रोफेशन है हमारे स्कूल साइकोलॉजी के साथ साथ स्कूल साइकोलॉजिस्ट की, वो हमारे देश में गायब मालूम पड़ता है, मिसिंग है। सिंस रिसेंट पास्ट द रेप्यूटेड स्कूल्स हैव स्टार्टेड अपॉइंटिंग क्वालिफाइड काउंसलर्स विद साइकोलॉजी बैकग्राउंड। कहते हैं पिछले कुछ पास्ट में देखा जाता है, हाल फिलहाल में, कि जो जाने माने हुए प्रतिष्ठित स्कूल्स हैं उन्होंने क्वालिफाइड काउंसलर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिए हैं जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से पढ़े हो, बट ऑल्सो बर्डनिंग देम विद असाइनमेंट्स अदर देन काउंसलिंग एज वेल। लेकिन उन्हें और भी काम से बोझा लाद दिया जाता है काउंसलिंग के अलावा, अदर देन काउंसलिंग एज वेल। एट नेशनल लेवल देर इज नो स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी टू सेट द क्वालिफिकेशन और फिक्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन जनरल एंड स्कूल साइकोलॉजी इन पर्टिकुलर। कहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसा संवैधानिक स्टेटरी या नियमित बॉडी नहीं है जो कि साइकोलॉजिस्ट की जो जिम्मेवारी है, उनकी जो रोल है या क्वालिफिकेशन है, उसको निश्चित कर सके और स्कूल साइकोलॉजी की खास करके इन पर्टिकुलर। आगे दे रखे हैं कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैव साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग कोर्सेज अदर देन स्कूल साइकोलॉजी। कहते हैं बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके पास इस साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट हैं जो कि स्कूल साइकोलॉजी के अलावा और भी सारे कोर्सेज जो है वो प्रदान कराते हैं, एंड हैव सेपरेट इंडिपेंडेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इनके अपने अलग स्वतंत्र एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं जो कि एकेडमिक और रिसर्च के काम में लगे रहते हैं। द फैकल्टी एट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैपन्स टू बी लार्जली विद बैकग्राउंड इन एजुकेशन। और कहते हैं जो फैकल्टी होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन बैकग्राउंड के होते हैं, इनके पास MEd या PhD की डिग्री होती है एजुकेशन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एज फार एज नीट एनालिसिस फॉर स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया इज कंसर्न्ड। कहते हैं जहाँ तक जो है भारत में जो है साइकोलॉजिस्ट की जो जरूरत है उसके एनालिसिस को अगर देखा जाए,
ओनली वन रेफरेंस कुड बी ट्रेस्ड, तो उसमें से एक ही रेफरेंस तो है मिल पाता है, ट्रेस कीप कर पाता है। वाइल डूइंग एन एक्सटेंसिव सर्च, मतलब काफ़ी ज़्यादा विस्तृत सर्च करने के बाद, एंड दैट इज ऑफ पी रामालिंगम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। वो है कि एक पी रामालिंगम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है हु प्रेजेंटेड हिज वर्क एट द 31st इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस इन माल्टा इन 2009। जिन्होंने अपने जो वर्क है उनको दिखाया था 31st इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस इन माल्टा में 2009 में। ही कंक्लूडेड, उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि इन द प्रेजेंट स्कूल सिस्टम देयर इज नो पोस्ट ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स ऑन द एकेडमिक स्टाफ फ्रॉम नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। कहते हैं प्रेजेंट अगर स्कूल सिस्टम के हालात देखा जाए तो देयर इज नो पोस्ट ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट ही कोई खाली नहीं रहती है, या काउंसलर की एकेडमिक स्टाफ में अगर देखा जाए तो। ये नर्सरी से और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का यही हाल है। देयर इज नो टीचर ऑफ साइकोलॉजी एज सच अमंग द सब्जेक्ट टीचर्स। कहते हैं और सब्जेक्ट टीचर की तुलना में अगर देखा जाए तो आपको साइकोलॉजी का टीचर तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज नाउ हियर इन द स्कूल करिकुलम डज साइकोलॉजी फिगर एज कंटेंट सब्जेक्ट। कहते हैं क्योंकि कहीं भी स्कूल करिकुलम में साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट कंटेंट के रूप में नहीं देखा गया, नाउ हियर मीन्स कहीं नहीं। आगे है देयर आर इन फैक्ट नो साइकोलॉजिस्ट टू होम स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुड बी रेफर्ड फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कहते हैं वाकई में इनफैक्ट कोई भी ऐसा स्कूल में साइकोलॉजिस्ट नहीं है, होते हैं जहाँ पर मैं जो है बच्चे जो है जाकर के मिल सके, टू होम स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय, और जिन बच्चों को स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समस्याएं हैं उनको जो है दूर किया जा सके, उनकी बिहेवियर में सुधार किया जा सके या उनके पास भेजा जाए। कुड बी रेफर्ड फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन और फॉर एड्रेसिंग इमोशनल और लर्निंग प्रॉब्लम, या अगर उनको लर्निंग करने में दिक्कत होती है तो देखा जाए, या इमोशन में कोई समस्या आ रही थी। आगे चलते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग साइकोलॉजी प्रोग्राम इन वेरियस ब्रांचेस। कहते हैं पिछले के अगर हम सेक्शन को देखें तो हमने ऐसे स्टेटस को देखे हैं यूनिवर्सिटीज की जो कि साइकोलॉजी प्रोग्राम का ऑफर करते हैं बहुत सारे ब्रांचेस में। With specific regard to school psychology for its development in India, we immediately need first of all to set up a professional body for school psychologists like Bar Council of India. कहते हैं अगर खास अगर ध्यान दें स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर भारत में विकास के अगर रूप में देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है, जल्द जरूरत है सबसे पहले कि हम एक प्रोफेशनल बॉडी को स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है खड़ा करें, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी तरह या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरह। इट शुड नॉट ओनली डिसाइड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर बीइंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट बट वुड आल्सो एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल साइकोलॉजी वर्कफोर्स इन इंडिया। मतलब यह जो बॉडी है उन्हें केवल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ही निश्चित नहीं करना चाहिए ट्रेनिंग को जो कि स्किल साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरत है, बल्कि यह भी अनुमान लगा पाएंगे कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट की जो वर्कफोर्स है भारत में उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है या कितने रिक्वायरमेंट है। दिस बॉडी में ऑल्सो कंसिडर द क्रेडेंशियल लिंक लाइसेंसिंग ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। और ये बॉडी क्या करेंगे तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट को क्रेडेंशियल प्रदान कराएंगे या लाइसेंस देंगे। टू प्रोसीड इन इस डायरेक्शन वन नीड्स टू नो, इस डायरेक्शन में पहुँचने से पहले एक व्यक्ति को जानने की जरूरत है, क्या जानने की जरूरत है वो देखा जा रहा है आगे। द नंबर ऑफ क्रेडेंशियल्ड स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया, कि भारत में जो है कितने ऐसे स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं जिसके पास लाइसेंस है, जिनके पास क्रेडेंशियल है। सेकेंड है द नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। कहते हैं कि भारत में जो है कितने ऐसे प्रैक्टिसिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट है जहाँ पे स्कूल में साइकोलॉजिस्ट अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंगेज्ड इन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, मतलब कितने ऐसे स्कूल हैं या जगह हैं जहाँ पर मैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने काम में इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंगेज्ड इन स्कूल्स।
और ये भी देखना पड़ेगा कितने नंबर ऐसे हैं जो स्कूल्स में स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में लगे हुए हैं. एंड करंट एस्टिमेटेड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया. और कहते हैं कि अगर हम प्रेजेंट में देखें तो करंट में कितना ऐसा माना जाए कि कितनी शॉर्टेज है क्वालिफाइड स्कूल साइकोलॉजिस्ट की भारत में, वो भी देखना पड़ेगा. तो चलिए आगे चलते हैं. आगे दे रखे हैं, देर इज़ नो डेटा अवेलेबल कलेक्टेड एम्पेरिकली फॉर द प्रेजेंट्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया. कि कोई भी डेटा जो है इस तरह का अभी अवेलेबल नहीं है जो कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित हो और जो कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट की फिगर को रिक्वायरमेंट को भारत में साफ साफ दिखा सके. द रीज़न इज़ अ सिंपल रीज़न इसका बहुत सिंपल है, बिकॉज स्कूल साइकोलॉजी हैज़ येट टू गेट इट्स नेसेसिटी रिकोगनाइज एज वेल एज रियलाइज. क्योंकि स्कूल साइकोलॉजी की जो है अभी भी ज़रूरत है एक रिकोगनाइज के रूप में, और ऐसा एहसास किया जाता है कि इनको तो होना ही चाहिए स्कूल में, एंड टू टेक बर्थ एज ए प्रोफेशन इन इंडिया, और इन्हें प्रोफेशन के रूप में भारत में जो है जन्म लेना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2002 में, अगर फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस के आधार पर देखा जाए तो वी मे कंसिडर द फॉलोइंग 3 क्रूशल डायमेंशंस. तो हम जो है नीचे 3 जो है डायमेंशन को जो है देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट और पैलोमेयर्स के द्वारा निकाला गया था फॉर कॉन्सेप्चुलाइजिंग द फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया. जिससे कि भारत में स्कूल साइकोलॉजी की क्या दशा होगी, उसकी क्या स्थिति होगी, उनको ठीक ठीक जांचने के लिए या समझने के लिए. तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुलाइजिंग दे रखा है, ठीक है. तो पहला क्या है इस 3 में, वो है चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में दे रखा है कि द स्कूल साइकोलॉजिस्ट शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग 2 फॉरमोस्ट इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन. स्कूल साइकोलॉजिस्ट को जो है वो नीचे दिए गए जो सबसे पहला जो 2 इशू है बच्चे से संबंधित, उनके ऊपर फोकस करनी चाहिए. वो क्या है वो दे रखा है. पहला तो यह है कि इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्कूल सक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन. कि जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए जो स्कूल परफॉर्मेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर सुधार होनी चाहिए. दूसरा है कि इम्प्रूवमेंट इन देयर सोशियो इमोशनल फंक्शनिंग, कि सोशियो इमोशनल फंक्शनिंग में सुधार होनी चाहिए. उसके बाद है फैमिलीज का, तो परिवार के बारे में. तो विद रिगार्ड टू द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन द स्कूल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन. अगर बच्चे को फैमिली से जोड़ के देखा जाए तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट को क्या क्या काम करने की जरूरत है. पहला तो ये है इम्प्रूवमेंट इन पेरेंटिंग स्किल्स एंड इंक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ द फैमिलीज टू सपोर्ट देयर किड्स स्टूडेंट्स एट्सेट्रा. कि साइकोलॉजिस्ट का काम है कि पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, उस पर भी वो इम्प्रूवमेंट लाए. साथ ही साथ फैमिलीज के अंदर वो सारी एबिलिटी को भरे, उनको ऊपर उठाए, जिससे कि किड्स और स्टूडेंट्स को जो है सपोर्ट मिल सके. आगे दे रखे हैं एनहांसमेंट इन फैमिली, फैमिली को ऊपर उठाया जाए. स्कूल पार्टनरशिप एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल्स. इससे ये होगा कि जब स्कूल और पेरेंट दोनों मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस बच्चे को जो है विकास होना शुरू हो जाएगा. अगला है स्कूल का, एज द मोस्ट रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्कूल साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड्स. क्योंकि स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो इंक्लूड है स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए, वो क्या है देखिए. इफेक्टिव एजुकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स. मतलब कि स्कूल का क्या काम होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है एक इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन होनी चाहिए. और एन इंक्रीज इन चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज इन स्कूल. और स्कूल में जो फैमिली सर्विस या चाइल्ड है उनको जो है बढ़ाना चाहिए. विच प्रमोट लर्निंग एंड मेंटल हेल्थ. मतलब बच्चों के ऊपर ऐसे काम किया जाना चाहिए जिससे कि उनका लर्निंग और मेंटल हेल्थ जो है उनकी दशा सुधर जाए, उनको प्रमोशन मिले. एंड विच आर अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड विद द कम्युनिटी सर्विसेज. और जो कि अंत में जो है वो कम्युनिटी सर्विस से आके जुड़ जाए, इंटीग्रेट हो जाए. आगे दे रखे हैं However, no future can be promised even to the field of school psychology in the absence of programs and extended services to the children, families and to the school faculty. कहते हैं फिर भी कोई भी फ्यूचर जो है उसकी प्रॉमिस नहीं की जा सकती है स्कूल साइकोलॉजी के फील्ड में भी, अगर प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल नहीं है या एंड एक्सटेंडेड सर्विसेज टू द चिल्ड्रन फैमिलीज एंड टू द स्कूल फैकल्टी. या स्कूल फैमिलीज और स्कूल फैकल्टी के लिए कोई एक्सटेंडेड सर्विसेज नहीं है तो
We need to provide opportunities to the prospective psychologists to choose school psychology as a profession by developing and offering educational training programs and internships. कहते हैं हमें जो है ऐसे अपॉर्चुनिटी को प्रदान करने की ज़रूरत है जिससे कि भावी भविष्य में जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है वो स्कूल साइकोलॉजी को एक पेशे के रूप में चुने, एक प्रोफेशन के रूप में चुने और वो अपने आप को डेवलप करें, वो एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करने और इंटर्नशिप भी करें. सच टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वुड इंपार्ट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड एंड हेल्प gain required skills including the assessment of psycho-educational functioning of the students. कहते हैं इस प्रकार के जो स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि नॉलेज को प्रदान करेगी, साथ ही साथ इस फील्ड में समझने में मदद करेगी, साथ ही साथ रिक्वायर्ड स्किल्स को गेन करने में हेल्प करेगी. इसमें क्या क्या चीज़ शामिल करना है उनको, तो साइको एजुकेशनल फंक्शनिंग जो सारे बच्चे के हैं उनकी असेसमेंट को भी शामिल कर देना है. आगे दे रखे हैं, इन इंडिया अगर भारत में देखा जाए तो वी कैन वेरी इजिली सी द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो है अवेलेबल हैं हु मेनली वर्क इन क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स एंड एक्सेट्रा, जो खास करके क्लिनिक में हॉस्पिटल में जो है काम करते हैं. बट वी आर सीवियरली लैकिंग सच प्रोफेशनली डिजाइंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. लेकिन हम बहुत बुरी तरह से सीवियरली जो है हमारे पास इस तरह का प्रोफेशनली डिजाइंड जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है या इंटर्नशिप है स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए, उसकी हमारे पास लैक है, मतलब कमी है. इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री वेयर वी कंसिडर द चिल्ड्रेन द फ्यूचर ऑफ द नेशन वी डेफिनेटली नीड टू इमीडिएटली स्टार्ट एजुकेशनल कम ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्कूल साइकोलॉजी एंड टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल सीकिंग प्रॉमिसिंग कैरियर्स इन स्कूल इन साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी विच इज़ द नेसेसिटी एट प्रेजेंट एंड विल बी द डिमांड ऑफ द फ्यूचर. कहते हैं अगर हमें अपने कंट्री को बेस्ट करना है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री वेयर वी कंसिडर द चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ द नेशन, जहाँ पर हम यह जानते हैं कंसिडर करते हैं कि चिल्ड्रन हमारे नेशन का फ्यूचर है, we definitely need to immediately start educational cum training program in school psychology. कि स्कूल साइकोलॉजी में हमें बिल्कुल ठीक ठीक डेफिनेटली निश्चित रूप से जो है वो एजुकेशनल कम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है तुरंत शुरू करना है या शुरू करने की ज़रूरत है. ठीक है, एंड टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और पीपल के जो इंटरेस्ट है उनको जगाना है, स्टिमुलेट करना है. सीकिंग प्रॉमिसिंग कैरियर्स इन साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी में अपना कैरियर जो है उसकी तलाश कर रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी की फील्ड में, विच इज़ द नेसेसिटी एट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट की जरूरत है और हमें लगता है कि फ्यूचर में भी इसकी डिमांड होने वाली है. तो इसके साथ जो है ये एंड हो गया. अब जो है हम अब 3.5 से जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में करेंगे. बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम. I hope that you would have got a lot of help from this video, and you can also write your opinions in the comment box. Thank you so much.